हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग्स में। और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे और हम लोग भी स्वस्थ और बढ़िया हैं। अब सबसे पहले तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और हम बहुत दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग से क्षमा मांगते हैं। आप लोग माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि हम ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे और मेरा तबीयत भी ख़राब है और मेरा मोबाइल बहुत ख़राब हो गया है। स्थिति ऐसा है कि दिखा देंगे तो यकीन नहीं कीजिएगा, उतना ख़राब हो गया मेरा मोबाइल। और आप लोग के बहुत ही अच्छा प्यार दुलार करते हैं, इसलिए सबसे पहले तो आप लोग को थैंक यू। और ऐसा ही प्यार दुलार बना करके रहिएगा, रखिएगा। और दिखाएंगे मेरा मोबाइल में ना एक भी आवाज़ नहीं आ रहा रिकॉर्ड कर रहे कि ब्लॉगिंग करते थे। तो एक दिन हमको पता चला कि जब ब्लॉगिंग किए अब फिर उसको ये कर रहे थे, मतलब क्या बोलेंगे, अपलोड करने ही वाले थे। तो हम बोले कि थोड़ा चला के देख लेते हैं, तो चला के देख रहे आवाज़ ही नहीं आ रहा है, एक भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो हम उसके बाद ब्लॉगिंग करना छोड़ दिए, मेरा मोबाइल ही नहीं है तो ब्लॉगिंग कैसे करेंगे। दिखा देते हैं मेरा मोबाइल कैसा हुआ है सो आप लोग को। तो दोस्तों ये रहा मेरा मोबाइल और देख सकते हैं आप लोग पीछे तरफ देख लीजिए कैसा हुआ है, देखिए पूरा फट गया है, ये देख सकते हैं, देखिए पूरा ये देख सकते हैं कैसा स्थिति हो गया है। और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन लोग तो जान ही रहे होंगे कि एक गांव में रह के बड़ा मोबाइल खरीदने में क्या क्या तकलीफ उठाना पड़ता है। उन लोग तो समझ सकते हैं कि हम लोग कितना तकलीफ या समस्या या काम करके हम लोग खरीदते हैं बड़ा वाला मोबाइल। देखिए और ऐसा हो गया मेरा मोबाइल। और ना बेटा कहाँ चल रही, अरे यकीन एक जगह ऐसा हुआ कि मेरा मोबाइल क्या ही बोले, हमको रोने मन कर रहा है लेकिन क्या करें। बच्ची है वो भी मेरी बड़ी बेटी, जो एक बाल्टी था, बाल्टी में पानी था और उसमें डाल दी पूरा मोबाइल को, इस प्रकार से डाल दी थी। और थोड़ा देर बाद हम काम करते करते अचानक से उसके पास गए तो देख रहे हैं कि पानी में डाला हुआ है मोबाइल, फिर उसको निकाले। और कहाँ बात कर रहे थे, वो पानी में डाल दी थी इस प्रकार मोबाइल को, इस प्रकार, और इतना दूर से पूरा भींग गया था, भींग गया था। तो फिर हम उसको निकाले और निकी का पापा को बुलाए, फिर सिम खोल के रख दिए, धूप में भी सुखाए, चावल में भी डाले। उसके बाद ऑन ही नहीं हो रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद जैसे तैसे ऑन किए, ऑन किए तो फिर कैमरा नहीं चालू हो रहा था, फिर कैमरा भी दूसरा इंस्टॉल किया तो उसमें भी हुआ तो हुआ, फिर हमको ट्राई नहीं किए। उसके बाद हम डायरेक्टली ब्लॉगिंग शुरू कर दिए। तो ब्लॉगिंग करते करते किए और एक दिन सोच रहे वीडियो अपलोड करेंगे तो बिना चलाए ही अपलोड कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे। तो हमको अचानक से मेरा मन में आया कि चलिए हम अपलोड करने के पहले हम एक बार सुन लेते हैं। तो सुन रहे तो पूरा भर टीवी का जैसा आवाज़ आ रहा है, अलग ही टाइप से। अचानक से चालू किया तो टीवी जैसा आवाज़ आने लगा, आवाज़ आने लगा। तो फिर हम सोच रहे कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। देख सकते हैं अंशु कितना नटखट है, देखिए मेरा मोबाइल दिखाई। तो फिर आवाज़ ही नहीं आ रहा था और इसलिए हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाए थे। तो माफ़ कर दीजिएगा आप लोग और ऐसे ही प्यार दुलार बनाते रहिए। और देखिए ये बंदूक चला रही है, देखिए कितना नटखट है। तो मेरा मोबाइल नहीं खराब किया है, खराब कर लिया तो बोल दो, मोबाइल तो खराब हो गया। बोलो खराब कर दिया, हम पानी में डाल दिए थे मम्मी का। बोलो मम्मी का पानी में डाल दिए थे मोबाइल को, मोबाइल को पानी डाल दिया। तो गाली नहीं दीजिएगा हमको, गाली ना दीजिएगा हमको। आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा। आप लोग हम कैसे हैं, बोलो ना, हम कैसे हैं चाचू लोग, चाचू लोग, मौसी लोग, मौसी लोग, जरूर बताइएगा। आप लोग नहीं बताते,
हम छोटी है कि बड़ी हो गए हैं? बड़ी हो गए हैं। तो देखिए मेरी अंशु बोल रही है बड़ी हो गए हैं। हम बोल रहे छोटी है कि बड़ी है बोल के बोलो, बोल रहे थे हम बड़ी हो गए बोल रही है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी है, कितना बड़ी हो गई कि छोटी है। तो फ्रेंड हम बच्ची मेरी बेटी को मार भी नहीं सकते हैं ना, बच्ची तो ना समझ होती है, इसलिए हम कुछ गाली भी नहीं दे सकते हैं, खाली बोल सकते हैं मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। अब मोबाइल ख़रीदने में अभी जा नहीं सकते हैं। जो लोग गांव से रहते हैं और हैं उन लोग ही जान सकते हैं कि गांव के लोगों को बड़ा मोबाइल ख़रीदने के लिए कितना कठिनाई करना पड़ता है। इसलिए जब हम खरीदेंगे तो अभी पता नहीं खरीद पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो देखते हैं बनेगा तो बनाएंगे और ब्लॉगिंग करते रहेंगे। बस यही था फ्रेंड बोलने का रीज़न कि और ब्लॉग नहीं बनाने का रीज़न कि मेरा मोबाइल बहुत ख़राब हो गया है और मेरा तबीयत भी ख़राब है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देखते हैं अगर मोबाइल बन पाता है तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग का दुलार प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।